स्मार्ट लोगों की पसंद फ्रेश मार्ट। महानगरों के बदलते बाजारों की श्रृंखला अब पांडुरनामे बांबल बंधु लाए हैं फ्रेश मार्ट सुपरमार्केट किराना एंड जनरल। डेली नीड्स, ड्राई फ्रूट्स, किराना, बिस्किट एंड चॉकलेट, क्लीनिंग प्रोडक्ट और बहुत कुछ एक ही छत के नीचे। तो आज ही खरीदारी करने पधारिए फ्रेश मार्ट सुपरमार्केट। फ्रेश मार्ट सुपरमार्केट, पता SBI ATM के बाजू में महेश्वरी कॉम्प्लेक्स पंचशील चौक पांडुरना। लाडली बहना योजना की EKYC अपडेट करने में पिछड़ी नगर पालिका की अंतिम तिथि के 2 दिनों पहले नींद खुली। 25 मार्च इस योजना के तहत EKYC अपडेट करने की अंतिम तिथि है। नगर में लगभग 4,500 महिलाओं की EKYC अपडेट होना बाकी है। अब तक महिलाएं नगर पालिका कार्यालय में जानकारी अपडेट करने के लिए चक्कर काट रही थी। अवकाश आ जाने से महिलाओं को असुविधाओं का सामना करना पड़ रहा है। इस बीच CMO RK इवनाती ने कर्मचारियों की बैठक लेकर आगामी 2 दिनों में घर घर पहुंचकर जानकारी अपडेट करने के निर्देश दिए है। हम नगर पालिका में हमारी टीम भी लगी हुई है। हम प्रयास कर रहे हैं कि घर घर जाके हमारे कर्मचारी जाके महिलाओं का EKYC करें, जिससे प्रचार प्रसार हो, लोगों को सुविधा मिले। इधर भीड़ वाले दिनों में महिलाओं ने बताया कि जानकारी अपडेट करने के लिए 2 काउंटर जरूर बनाए गए थे, लेकिन नगरपालिका में भीड़ को व्यवस्थित करने कोई दूसरी सुविधा प्रदान नहीं की गई। कई महिलाओं को बिना काम किए ही वापस लौटना पड़ता था। इधर 2 दिनों में कागजात लेकर जानकारी अपडेट करने को लेकर कर्मचारियों के माथे पर बल आ गया है। CMO RK इवनाती ने बताया कि बची हुई महिलाओं की EKYC अपडेट करने कर्मचारी घर घर पहुँचेंगे। लगातार 2 दिनों के अवकाश ने गरीब मरीजों के हाल बेहाल कर दिए। बुधवार को गुड़ी पाड़वा के बाद गुरुवार को भी अवकाश के चलते मरीजों को सरकारी अस्पताल में चिकित्सा लाभ नहीं मिल सका। कई मरीज चिट्ठी बनाने के लिए घंटों काउंटर के सामने खड़े रहे। यहां न तो अवकाश की सूचना चस्पा की गई थी और न ही मरीजों को कोई बता रहा था कि आज अवकाश है। मरीजों का कहना था कि उनकी दवाएं खत्म हो गई है, उन्हें जरूरी दवाइयां चाहिए, जिसके लिए वे आज अस्पताल पहुंचे हैं, लेकिन अस्पताल प्रबंधन की लापरवाही के चलते मरीज परेशान होते रहे। अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार कानून के अंतर्गत प्राइवेट स्कूलों में निःशुल्क प्रवेश प्रक्रिया की गुरुवार को अंतिम तिथि थी। अंतिम दिन तक किसी प्रकार का आदेश प्राप्त नहीं होने से शहर के 24 वार्डों के पालक इस योजना का लाभ पाने से वंचित रह गए। इस बात का असर प्राइवेट स्कूलों के प्रवेश पर भी पड़ा। स्कूलों में 25% RTE के तहत आरक्षण से प्रवेश होना था, लेकिन केवल स्कूलों के आसपास के वार्डों के पालकों को सुविधा मिलने से कई सीटें रिक्त रह गई। अब अगले 2 दिनों तक आवेदन करने वाले पालकों को अपने दस्तावेजों की जाँच करानी है। इस मामले में अधिकारियों से लेकर प्रतिनिधियों ने प्रयास किए थे, लेकिन अंतिम तिथि तक राहत मिलती हुई नहीं दिखी, जिससे गरीब पालकगण मायूस हो गए।